हम नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 9th के, तो अब हम सारे ही क्वेश्चन एक बार में देखेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर। और अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना है तो पिछली वीडियोस में देख लेना, और मैं इस पूरे चैप्टर के एक बार मेरे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे क्वेश्चन जो आ रखे हैं एक बार में आप देख सकते हो एक वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की बनाना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम वन मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बहुत सिंपलीफाई होते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 256 की पावर 0.16 है इनटू 256 की पावर 0.09 है। हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे भी 256 है, यहाँ पे भी 256 है, तो 256 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बेस सेम है। पावर क्या हो जाती है? एड। पावर क्या हो जाएंगी? एड हो जाएंगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है हमने? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू एम प्लस एन, ठीक है। और 0.16 प्लस 0.09 कितना होता है? 0.25, ठीक है। और 0.25 में से अगर हम डेसिमल हटा दें तो हम लिख देंगे 25/100, ठीक है। और 25/100 अगर हम काटेंगे इन्हें तो 1/4 आएगा। और 256 का अगर फैक्टर निकालोगे तो 4 की पावर 4 होता है, और उसकी पावर कितनी है? 1/4। करके देख लो, 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 256, इसलिए 4 की पावर 4। तो ये किस फॉर्म में हो रहा है? a की पावर m इंटू a की पावर n, इस फॉर्म में। जैसे मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटीज को, जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ आपको भी लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। तो 4 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/1। तो एक टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट 2, 4 रूट 2 एंड 5 रूट 2, ये सब मल्टीप्लीकेशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करना है इसे। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रूट क्या होता है किसी की पावर हाफ, क्यूब रूट क्या होता है, पावर क्या हो जाएगी? 1/3। 4 लिख दो रूट में तो 1/4, 5 लिख दिया तो 1/5, ठीक है। चाहे अंदर कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो, कुछ भी वैल्यूज हो, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4। 32 को पहले, 32 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 इंटू क्या है मेरे पास? 1/5, ठीक है। तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/5 मीन्स 1, 5/5 मतलब 1। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 3 की टेबल में 12 को आता है 4 पे, और 4 की टेबल में 12 कब आता है? 3 पे, और ये हो जाएगा 12। तो 2 की पावर 12 प्लस 3 इज 15,
15 प्लस 4 इज 19 बाय 12, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 2 मार्क वाले क्वेश्चन करते हैं, जो 2 मार्कर्स होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। पहला है इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ -6/a। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें पता है a हमें कितना दे रखा है, 1 प्लस रूट 7। गिवन क्या है, a इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 7, हमें क्या फाइंड आउट करना है, -6/a। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, -6/a। तो वी हैव -6/a इक्वल्स टू -6/a कितना है, देख लो साफ दिख रहा है a कितना है, 1 प्लस रूट 7, सबको दिख रहा है a कितना है, 1 प्लस रूट 7। जब भी हम नीचे देखते थे कि ऐसी फॉर्म में है तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते थे, रैशनलाइज। फिर हम यहां पे लिख देंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो -6 1 प्लस रूट 7। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा एज इट इज, पर नेगेटिव साइन आएगा, यही चीज नेगेटिव साइन। ठीक है, तो -6 into 1 minus root 7, और ये a plus b a minus b क्या होता है, a square minus b square, यानी कि 1 का square minus root 7 का square। ठीक है, ऐसे ही -6 1 minus root 7, 1 का square सबको पता है 1 होता है, और माइनस ये रहा माइनस, और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो -6 into 1 minus root 7 अपॉन में 7 में से 1 गए -6, तो -6 से -6 कटा, आंसर क्या आया, 1 minus root 7। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find an irrational number between 2/11 ले लीजिए और 5/7 ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2/11 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 11 को 2 से, तो 11 और 2, 11 2 से नहीं हो सकता डिवाइड, तो हम पहले सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा डेसिमल की वजह से, फिर हम यहाँ 1 रखेंगे, 11 into 1 is 11, फिर 9 क्योंकि डेसिमल लगा रखा है, तो 0, तो 11 के टेबल में 90 तो आता नहीं है, तो हम 8 लिखेंगे, 88, 90 minus 88 is 2, और 20 हो जाएगा ये, फिर से 1, फिर से 11, फिर से 9, ऐसी चलता रहेगा। ठीक है, तो 2/11 हमें क्या मिला, 0.18, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
ऐसे ही 5/7, 5/7 क्या होगा, हम 7 और 5 को लिख देते हैं, तो 0. यहाँ पे भी 0, यह 7, 49, यहाँ 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, फिर यहाँ 7, यहाँ 3, फिर यहाँ 0, यहाँ 4, यह 28, 7 into 4, 28, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे, 7 into 2, 14, फिर 6 आया, 0, 7, 8 जा, 56, फिर 4, फिर यहाँ पे 0, फिर 5, फिर 35, फिर 40 minus 35 is 5, फिर से वही आ गया, 5 से जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो यही छोड़ दो, तो यानी कि हमने 5/7 को क्या लिखा, 0.714285, यही चीज बार बार रिपीट होगी, इसलिए बार लगा दो, तो हमें 2/11 तो मिला 0.181818, 5/7 मिला 0.714285, अब हमें इसको अच्छे से लिखना है, 2/11 मुझे मिला 0.18 के ऊपर बार, और 5/7 कितना मिला, 0.714285 के ऊपर बार, ठीक है, बस हमें क्या देखना है, इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढना है, सिर्फ एक, पर इसके बीच में तो करोड़ों इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो कोई भी आपके मन में जो आंसर आ रहा है आप वो लिख दो, जैसे कि मेरे मन में आ रहा है कि 2.12 ऐसे कुछ भी लिख दो, चलता रहेगा, ऐसे कुछ भी लिख दो, बस इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, आपका सब बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लस 0.47 के ऊपर बार है, उसको हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में करना है, और इन दोनों को हमें बेसिकली ऐड करना है, इन दोनों को ही हमें ऐड करना है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व करके देख लेंगे, उससे हमें आसानी होगी, एक साथ करेंगे तो बहुत अजीब लगेगा करने में, शीट में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, तो सबसे पहले इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0.7 के ऊपर बार है, और हमें पता है 7 के ऊपर बार है का मतलब क्या होता है, कि 7 बार 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 रिपीट हो रहा है, और डेसीमल के बाद कितने डिजिट है इसके पास, सिर्फ एक के पास बार है, एक नंबर वाला जीरो कौन सा है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्यों करवाया 10 से, क्योंकि जीरो के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल के पास बार था, तो सिर्फ एक जीरो वाला कौन है हमारे पास, सिर्फ 10 ही एक ऐसी चीज है जिसके पास एक जीरो होता है, तो हम 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x 7.7777 ऐसे चलता रहेगा, तो यानी कि एक नंबर आगे आ जाता है, जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से करवाता तो दो नंबर आगे आ जाते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकेंड मान लो, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड वन, वी गेट 10x माइनस एक्स इक्वल टू 7.777 माइ ये माइनस 0.7777, तो 7 माइनस 0 7 होता है, और 777 से 777 कट जाएगा, 10 में से 1 गए तो कितना होता है 9x, तो x इक्वल्स टू कितना मिला 7/9, बहुत इजी है ये, तो हमें 0.7 के ऊपर बार कितना मिला 7/9, इसको हम अलग से लिख देते हैं,
ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो क्योंकि पहले हम x लिख चुके हैं, इस बार हम इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है। मुझे पता है डेसिमल के बाद मुझे ऐसा नंबर नहीं चाहिए जिसके ऊपर बार ना हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर बार नहीं है, इसको मुझे आगे करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे बस वो डिजिट चाहिए जिसके ऊपर बार हो। इसको याद रखना है आपको कि डेसिमल के बाद हमें वो डिजिट चाहिए होता है जिसके ऊपर बार हो। तो सबसे पहले 4 को हमें आगे करना है। तो 4 को आगे लाने के लिए, क्योंकि 4 एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल जीरो वाला डिजिट कौन सा है, वो है 10। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, बाय 10 से। तो 10y इक्वल्स टू 4.7 के ऊपर बार, ठीक है। और हमें पता है 4.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.7, एक ही तो बात है ना। 5 प्लस 5.2 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2। ऐसी इस 4.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.7 के ऊपर बार। और 0.7 के ऊपर बार हमें पता है कितना होता है, 7/9। तो हम 0.7 के ऊपर बार को क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 9 और 1 का एलसीएम हमें पता है 9 ही आता है। 1 के टेबल में 9 कब आता है, 1 पे। 9 × 4 = 36। 9 के टेबल में 9 कब आता है, 1 पे। 1 × 7 = 7। तो 10y = 36 + 7/9। और 36 + 7 कितना होता है, 43/9। तो हमें 10y कितना मिला, 10y = 43/9। 10y हमें कितना निकला, 43/9। तो y = 43/90, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें 0.7 के ऊपर बार मिला था ये, और 0.47 के ऊपर बार मिला है 43/90। तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे, बस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 0.7 के ऊपर बार को हम क्या लिख देंगे, 7/9। और प्लस 0.47 के ऊपर बार को हम क्या लिखेंगे, 43/90। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 ही आएगा। 9 के टेबल में 90 कब आता है, 10 पे। 10 × 7 = 70। 90 के टेबल में 90 कब आता है, 1 पे। 43। इन दोनों को ऐड कर लो, 3 + 7 + 4 = तो ये आपका आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि 3 मार्क्स में आता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3 मार्क्स में। तो क्वेश्चन है, फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन में 7 − 4√3 = ए प्लस रूट थ्री बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दे रखा है LHS में 5 + √3 = 7 − 4√3। तो वी हैव 5 + √3 / 7 − 4√3। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कराएंगे। तो 5 + √3 / 7 − 4√3 को हम क्या लिखेंगे, 7 + 4√3 और 7 + 4√3 यहां लिख देना, बाय रैशनलाइजिंग। तो आपको बताया 5 + √3 × 7 + 4√3 लिख दोगे, और नीचे
a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखना है साइड में a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख दिया आपको पता है आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20√3 ऐसी इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 7√3 और इसको मल्टीप्लाई करो 4√3 × √3 3 होता है 4 × 3 = 12 अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4√3 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 48 16 × 3 = 48 ठीक है अब 35 प्लस 12 कितना होगा 35 प्लस 12 इज 47 20 प्लस 7 इज 27√3 अपॉन में 1 ठीक है तो हमें 5 + √3 7 − 4√3 की जगह हमें क्या मिला 47 + 27√3 तो हम क्या करेंगे कि 5 + √3 = a + √3b / 7 = 4√3 है ये तो हमें इस पूरे की वैल्यू कितनी मिली 47 + 27√3 तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे देयरफोर 47 + 27√3 = a + √3b ऑन कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करें ध्यान से देखें ये वाली टर्म हमें ये मिल गई यानी कि a हमें 47 मिल गया और b 27 मिल गया ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3 + √8 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो x आपको दे रखा है 3 + √8 आपको क्या निकालना है x² + 1/x² तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें x = 3 + √8 और हमें पता है कि 1/x लिखूंगा इसका मतलब क्या होता है 1/3 + √8 ठीक है x की वैल्यू पता है 1/x नहीं पता तो x को रेसिप्रोकल कर दिया फिर जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो रैशनलाइज कर दिया 3 + √8 = 3 − √8 मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर इसको हम क्या कहते हैं बाय रैशनलाइजिंग तो 3 − √8 / a प्लस बी फिर से a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो 3 − √8 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 रूट 8 का स्क्वायर होता है 8 तो 3 − √8 / 9 − 8 यानी कि 3 − √8 ही मिलेगा क्योंकि 9 − 8 कितना होता है 1 होता है तो हमें 1/x कितना मिला 3 − √8 ठीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको फर्स्ट मान सकते हैं और इसको सेकंड मान सकते हैं और इन दोनों को हम ऐड करवा सकते हैं हम क्या लिख देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिलेगा वी गेट x + 1/x
एक्स कितना है, एक्स कितना है हमारा, 3 प्लस रूट एट। हम एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 प्लस रूट एट। और 1 बाय एक्स कितना है, 1 बाय एक्स हमें मिला 3 माइनस रूट एट, तो प्लस 3 माइनस रूट एट, तो रूट एट से रूट एट कट जाएगा और 3 प्लस 3 कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। तो x प्लस 1 बाय 6 हमें कितना मिला, 6 मिला। x प्लस 1 बाय x कितना मिला, 6 मिला। और अगर हम, हमें क्या निकालना था, स्क्वायर में निकालना है, यही सेम थी, स्क्वायर में निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे सेम यही फॉर्मूला यूज कर देंगे, a हमारा क्या है, x, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, x से x काट दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 36। तो x स्क्वायर अपॉन में 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 2, ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया, तो 36 माइनस 2, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34।